देखिए, जैसे आपने बोला कि नंबर चार के लिए कैसे पहचाना जाए कि ये बंदा चार भीड़ में है, और समझ लीजिए छोटा मोटा किसी का एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग निकल जाते हैं, भाई चलते रहता है, और चार नंबर वाला रुकेगा, उसे उठाएगा, उसे साइड में बिठा के हॉस्पिटल भी लेके जाने की कोशिश करेगा, तो ये बंदे जो होते हैं ना, ये बहुत इमोशनल होते हैं, इनके माइंड में ना बहुत इमोशंस भरे हुए होते हैं, बहुत केयरिंग के साथ इमोशनली वो हर एक चीज हैंडल करते हैं। डेफिनेटली इनका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर मैं इनसे अब मांगू कि भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 1,000 रुपए ही है अभी फिलहाल, उसमें से तो भी तू 700 रुपए लेके जा। सो दैट इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है, इस तरीके से ही अपना सेविंग करके रखते हैं, बहुत हम्बल भी होते हैं ये लोग। हाँ डेफिनेटली इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत अच्छा होता है, अगर आप सारे क्रिकेटर्स या फिर जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड लोग हैं अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको नंबर फोर वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। सेंसिटिव भी उतने ही होते हैं, उतने ही केयरिंग, सेंसिटिव और इमोशनल भी होते हैं। ये सारी यूएसपी आपको चार नंबर वाले बंदे को फाइंड आउट करने के लिए ईजी हो जाएगी। ये आपने अच्छा बताया, एक्चुअली मैं भी एक किसी अपने परिचित को जानता हूँ 4 तारीख, जिनका जन्म है 4 तारीख का, बिल्कुल आपने उनका उनका ही व्यक्तित्व मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। वो बहुत ही संवेदनशील भी हैं, नम्र भी हैं, बाकायदा छोटे और बड़े से दोनों से बड़े इज्जत से बात करते हैं। और तीसरा जो आपने बताया ना कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो वो ये सोचते हैं कि अपने ही घर का हुआ है, तो उसकी जितनी हेल्प वो कर सकते हैं वो उतनी हेल्प करते हैं। ये आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने पोर्ट्रे किया, क्योंकि मैं उन चार नंबर वालों को जानता हूँ, और बिल्कुल आपने जैसा नेचर बताया वैसे ही उनका भी नेचर है, काफी हद तक उनका जैसा ही नेचर आपने बिल्कुल बताया। अच्छा, मैं मार्केट के हिसाब से चार नंबर वालों के लिए क्या बोला जाता है, वैसे जितना मैं जानता हूँ शायद चार नंबर वाले जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली राहु का नंबर माना जाता है 4 तारीख को, 4 नंबर को। मेरे को पता नहीं मैं कितना ठीक हूँ नहीं हूँ, जरा आप मेरे को बताइएगा। Yes, देखिए आपने बिल्कुल सही बताया कि नंबर चार मतलब राहु का नंबर हो गया। अब राहु का नंबर मतलब राहु सोचने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि गलत डिसीजंस लेने के लिए राहु की दशा सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि के पास राहु, केतु और शनि, ये तीन जो प्लैनेट है ये बहुत डिफिकल्ट प्लैनेट, मतलब लोगों के मन में डर सा बैठा होता है इन तीनों प्लैनेट्स को लेके, बट ऐसे नहीं होता है, फिर भी डिसीजंस गलत होना ये नंबर चार के लिए बहुत फ्रिक्वेंटली होते रहता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सॉरिटिव से बट स्टॉक मार्केट इनके लिए ठीक ठीक रहेगा। मैं 100% आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टॉक मार्केट में आओ, आप ट्रेड करो, आपके ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी गलत जा सकती है, जबकि सारी स्टडी हो गई है आपकी, बट लक अगर साथ में ना हो तो ट्रेड गलत जाने के ब्राइट चांसेस नंबर फोर वालों के साथ होते, तो ठीक ठीक है मेरे हिसाब से। सोच समझ के तो करने के लिए हम लोग बोलते ही है, बट चार नंबर वाले इन्वेस्टमेंट करे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वैसे कोई सेक्टर आप बताना चाहते हैं इनके लिए, या फिर क्योंकि मार्केट में ज्यादा रहना ही नहीं है तो फिर आप सेक्टर भी छोड़ दें इसमें? इनके लिए आईटी सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा सर, आईटी रिलेटेड सेक्टर इनके लिए ठीक रहेगा। ओके, ठीक है, तो फिर सिलेक्टिव आईटी कंपनीज के अंदर ये निवेश करें तो ज्यादा ठीक है, और वैसे भी आप निवेश ही करो, फिर आप ट्रेडिंग से थोड़ा बचो, मार्केट शायद आपके लिए उतना ठीक नहीं है, तो मार्केट में थोड़ा इल्यूजन रह सकता है, थोड़ा कहीं आपको कहीं ट्रेड में नुकसान ना हो जाए, इसलिए 4 तारीख वाले थोड़ा सोच समझ के आए, और अगर कोशिश हो तो 3 तारीख में आपका घर में कोई है तो उससे आप रिप्लेस कर लो अपना अकाउंट, आप उनके नाम का अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। अच्छा मैम, फॉरेन के हिसाब से 4 तारीख वालों के लिए क्या है आपकी रीडिंग्स? फॉरेन के हिसाब से जिन कंट्रीज में ये जाना चाहते हैं ना, उन तक पहुंचना इनको डिफिकल्ट हो सकता है, इनको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिक्कतें आती है, डेफिनेटली ये जा सकते हैं, बट जो वो सोच रहे हैं ना वहां से कोई और कंट्रीज इनको मिल जाती है, मतलब आप समझ लो यूएस जाना चाहते हो तो हो सकता है आप दूसरी कंट्री पहुंच जाओ, कनाडा पहुंच जाओ या फिर कहीं और पहुंच जाओ, मतलब एग्जैक्ट आपका जब तक लक साथ नहीं देता तब तक आपके ड्रीम भी कंप्लीट होने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो मोस्ट ऑफ टाइम नंबर फोर वालों के साथ ये दिक्कतें फेस करनी पड़ती है इन लोगों को। ओके, ठीक है। अच्छा वैसे अगर ये थोड़ी मेहनत करें तो क्या जा सकते हैं फॉरेन, जिनका 4 तारीख का जन्म है?
सर मेहनत के साथ मैं बोलूंगी इनको, अगर लक ये अपना पहन के चलेंगे ना तो डेफिनेटली ये जा सकते हैं। अपना लक जैसे वो है ना कि अपना लक पहन के चलो, तो नाम का स्पेलिंग हाँ। जैसे नेचर्स मैंने बताया आपको, और लकी कलर्स, लकी डेट्स अगर ये यूज करते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए भी, जैसे हमने बोला कि कोई नंबर बुरा नहीं होता है, बस उसकी ग्रेविटी हमें चेंज करनी पड़ती है, उसकी ग्रेविटी चेंज करनी है। ठीक है, बहुत बेहतर है। और मैं आपसे बोलूंगा कि ये तो हम सिर्फ जनरल आपके सामने बात रख रहे हैं, शीतल जी से हम पता कर रहे हैं, जितना उनसे हम बुलवा पा रहे हैं तो हम वो बुलवा रहे हैं उनसे, लेकिन अगर आप शीतल जी से पूरी तरह से एक्सपर्ट राय लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली पता ही करना चाह रहे हैं, तो फिर आप शीतल जी से कनेक्ट भी कर सकते हैं। वो सारे हैंडल, सब नंबर, सब आपकी स्क्रीन पर वापस से आ जाएगा, ताकि आप नोट कर लें। और मैं तो ये बोलूँगा आप फोटो ही खींच के रख लो, आप हो सकता है आपको आज ज़रूरत ना हो, आपको एक महीने बाद ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है आपको किसी को एडवाइस करनी पड़ जाए, हो सकता है आपके घर में किसी को ज़रूरत हो, तो आप अपने पास इसको सेव करके रखो कि भाई ठीक है, शीतल जी से हमको कभी भी एडवाइस लेना होगा तो ये नंबर्स, ये हैंडल्स हैं, और हम किसी को भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। नेक्स्ट मैम आता हूँ मैं ज़रा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 तारीख वालों के लिए बोला जाता है कि क्योंकि ये बहुत भावुक हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, नम्र भी हैं, संवेदनशील भी हैं, केयरिंग भी हैं, तो फिर इनका फैमिली का स्टेटस कैसा रहता है? देखिए ये अपने फैमिली को ना 100% देते हैं। अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि अगर आजकल डिवोर्स मतलब बहुत कॉमन चीज हो गई है, और अगर डिवोर्स केसेस में आप देखोगे तो 60% नंबर 4 और नंबर 8 आते हैं, क्योंकि ये अपना 100% देते हैं, बट सामने वाले से जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग, वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर कहीं ना कहीं इमोशनल होने की वजह से ये डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं इतना दे पा रहा हूँ और मुझे उतना नहीं मिल रहा है। उस वजह से रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूंगी कि इमोशनल जो व्यू है इनका, ये थोड़ा सा बाजू में रख के अगर प्रैक्टिकल ये बिहेव करते हैं, प्रैक्टिकली ये अपना एटीट्यूड रखते हैं, तो डेफिनेटली इनको रिलेशनशिप में जो दिक्कतें आ रही है वो कम हो जाएगी। और गुस्सा तो आपको पता ही है, राहु इनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाता है, तो गुस्से पे अगर आर्गुमेंट और गुस्से पे अगर काबू रखेंगे तो डेफिनेटली इनको और ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 4 तारीख का जिनका जन्म है तो थोड़ा सा गुस्से पे अपने जरूर काबू रखें, और मेरे को लगता नहीं कि गुस्से से कुछ चीज़ हल निकलती है, बल्कि सूझबूझ से ही किसी चीज़ से आगे बढ़ा जा सकता है। बेहतर बात, अच्छी चीज़ आपने की है कि आप थोड़ा गुस्सा कंट्रोल कर। अच्छा मैम, इनकी हेल्थ का स्टेटस कैसा रहता है 4 तारीख वालों का? देखिए इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, और आपको पता है अगर वेट जल्दी बढ़ता है तो काफी सारी डिजीज को इनवाइट हम खुद ही करते हैं। सो बेटर इन्होंने वेट ना बढ़ने देना, मतलब रेगुलर योगा एक्सरसाइज कंपलसरी करना चाहिए, मेडिटेशन कंपलसरी करना चाहिए, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम और मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम इन नंबर 4 में मैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, हैवी फूड स्पेशली अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, और बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है, योगा आपको हमेशा हेल्प ही करता है। मतलब इनके लिए कुछ खास है कि जो 4 तारीख वाले हैं उनको योगा और मेडिटेशन उनके दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए, या फिर ये हालांकि होना तो सबके लिए चाहिए लेकिन 4 नंबर वालों के लिए बोलेंगे कि आप ये कंपल्सरी ही है? यस सर, कंपल्सरी है, क्योंकि जैसे हमने बोला इनको गुस्सा भी बहुत आता है, वेट भी बहुत जल्दी बढ़ता है, तो ये दोनों चीजों के लिए तो स्पेशली मेडिटेशन और योगा कंपल्सरी रहेगा। एटलीस्ट नहीं कुछ तो इन लोगों ने वॉक करते हैं तो भी ज्यादा बेटर होगा। और वन मोर थिंग डिम्पी सर, मैं अभी 4 नंबर के बारे में हमने थोड़ी सी कड़वी बातें जब यहाँ पे करी है, मैं उसी लिए फेमस हूँ कि जो हो है वो मैं बोलते रहती हूँ, तो टिप भी मैं उसके साथ देती हूँ, रेमेडीज भी मैं उसके साथ देती हूँ। मार्केट के लिए हमने ठीक ठीक बोला, हेल्थ वाइज भी हमने काफी सारी चीजें इन लोगों को निगेटिव बताई है, तो स्पेशली मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ कि नंबर्स बुरे नहीं है, नंबर्स की ग्रेविटी को हम लोग चेंज करेंगे, बट हो सकता है उतना शनिदेव की पूजा अगर ये करते हैं और साथ में ब्लू कलर अगर जितना यूज हो सकता है वो करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो दिक्कत है वो अभी फिलहाल कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आपने ये बताया। हालांकि मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 3 नंबर वालों को सुन रहा था और जब मैं 4 नंबर वालों को सुन रहा हूँ तो मेरे को साफ साफ फर्क दिख रहा है कि 3 वालों के पास सारे लग्जरी हैं और सब कंफर्ट है, मार्केट भी ठीक है, नौकरी भी आप करो आप, बिजनेस भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत ही है दिक्कत, लेकिन जैसे 3 और 4 का हम कंपेरिजन करते हैं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा था।
अच्छा किया आपने मेरे को ये बता दिया कि नंबर अपने आप में पूर्ण है, सभी भगवान के ही नंबर्स हैं, सबका जन्म अपने अपने संस्कारों के अनुसार है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ों का अगर हम हेर फेर कर दें या थोड़ी बहुत चीज़ों का हम आदान प्रदान अलग तरीके से कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आप इसको एक सब्जी के तौर पर भी डालेंगे, अगर आप थोड़ा भी नमक और मिर्च को बैलेंस कर लेंगे तो आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। वही सब कुछ होगा लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो स्वाद थोड़ा सा कम हो जाता है, बस इतना ही। बहुत अच्छे से आपने ये मेरे को क्लियर किया। अच्छा मैम, इनका एक तो मेरे को बिजनेस जॉब और हेल्थ ये दोनों भी बता दो आप। एक तो इनका हेल्थ का कैसा रहता है स्टेटस और फिर बिजनेस जॉब कैसे रहता है। हेल्थ तो हमने अभी बात कर ही ली है कि इनको योगा मेडिटेशन एंड हेवी फूड अवॉइड करना है। रही बात हम लोग कर लेते हैं जॉब और बिजनेस। देखिए अब इमोशनल मनी मैनेजमेंट स्पोर्ट्समैन पीरियड सारी चीजें इनके पास है, बट इनमें ना स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। बिजनेस में भी इनके व्यूज चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे हमने तीन नंबर वालों के लिए बोला था कि 70-30 लोग बिजनेस कर लो और 30% लोग जॉब कर लो, यहाँ पे मैं रेशियो चेंज कर रही हूँ डीपी सर। यहाँ पे 80% लोगों के लिए मैं जॉब बोलूंगी और 20% लोग बिजनेस करे। बिजनेस करते टाइम भी किसी और की बर्थडे के नाम से अगर ये यूज करे तो ज्यादा बेटर है। बैकबोन ये रख सकते हैं, अथॉरिटीज पूरी इनके पास रखी है, बाकी सारी चीजें इनका मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है। सिर्फ अपना नाम और बर्थडे के हिसाब से अगर किसी और की बर्थडे यूज करते तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि 3 और 4 तारीख के अंदर जो एक मैंने बिल्कुल एक फर्क बताया कि बिजनेस के लिए 3 तारीख अच्छी डेट है, उनमें थोड़ा सा नौकरी आप कम ही ढूंढें, लेकिन जैसे अगर आपकी तारीख 4 है, अगर आप 4 तारीख का आपका जन्म है तो आप ये सोचें कि आपको नौकरी ज़्यादा करनी है, तो बिजनेस आपको थोड़ा कम आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना भी चाहते हैं तो फिर एक्सपर्ट्स के एडवाइस एक बार लेके फिर आप उनसे ज़रा पता कर लीजिएगा कि हाँ फिर 3 तारीख से करवाएं बिजनेस, कि 5 तारीख वाला कोई जन्मांक का है हमारे घर में तो उससे करवाएं बिजनेस, लेकिन 4 तारीख वाले इस चीज़ को मान लें कि थोड़ा वो व्यापार में थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींच के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम, आज आपसे अच्छा लगा बातचीत करके। 3 तारीख वालों के बारे में भी हमने आपसे पता किया, 4 तारीख वालों के बारे में पता किया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप शीतल बाखरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फोन नंबर, उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स और उनका ईमेल एड्रेस सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लें, फोटो खींच लें और जब भी आपको मौका मिले आप इनसे कंसल्टेंसी, उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे चल के हम ये कोशिश भी करेंगे कि आगे चल के हम आपसे बातचीत करें, और हम एक चीज़ ये भी करेंगे कि सिग्नेचर वाला पॉइंट वो आगे में रखेंगे, और 5 तारीख और अब 6 तारीख की अगले एपिसोड में बातचीत होगी आपसे। आप कुछ कहना चाहते हैं मैम? यस सर, बस सिग्नेचर्स आप लोग मंगवा लीजिए लोगों से, तो उसके ऊपर प्रेडिक्शन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज अच्छी करी आपने, तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वो मुश्किल में है या थोड़ा बहुत तो उनको कुछ एडवाइजरी चाहिए, तो आप अपने सिग्नेचर फोटो खींचिए, उस सिग्नेचर को कीजिए पेपर पे फोटो खींचिए और भेज दीजिए शीतल जी को। उनका व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उनको जीमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहेगा, आप उनको एक बार भेज दीजिएगा, वो आपको फिर पर्सनली गाइड कर देंगे। 3 तारीख और 4 तारीख की हमने आज चर्चा की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से हमने एक काम किया कि शीतल जी की जितने भी फैंस हैं उसमें से हमने एक को हमने चुना, और हम ये चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस भी आप एक बार साझा हम करना चाहेंगे। आप जरा उनसे भी उनके बारे में भी जरा बात कीजिएगा, उनसे भी समझिएगा कि उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। कई बार ऐसा होता ना कि हम डॉक्टर से जब हम एडवाइस लेने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि हाँ वो डॉक्टर कैसे थे, वो दवाई कड़वी तो नहीं देते ज़्यादा, इंजेक्शन तो नहीं लगाते हैं ज़्यादा, तो वो आपको डॉक्टर के बारे में वो पेशेंट बहुत अच्छे से बता पाता है। तो आज मेरे साथ विजय सोनी जी जुड़े हैं। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप शुभ अंक में जुड़े। शीतल जी से हम बात कर ही रहे थे और शीतल जी से बात करते करते हमको ये चीज़ लगा कि क्यों ना हम उन लोगों से भी एक बार बात करके देखें जो शीतल जी के जिन्होंने एडवाइस लिया, जिन्होंने शीतल जी से साथ लिया और अपने आप में बदलाव देखा, अपने जीवन में बदलाव देखा। तो आप मेरे को जरा बताइएगा आप कहाँ पे खड़े थे, आपको क्या दिक्कत थी या क्या तकलीफ थी, फिर आपने क्या सोचा, आप शीतल जी तक कैसे पहुंचे और फिर कितना फर्क आपको दिखा।
जी, मैं एक्चुअली फेसबुक के जरिए शीतल जी से जुड़ा था, तो उस समय मैं काफ़ी प्रॉब्लम में था। तो अच्छा मैंने फेसबुक में मैं देखता रहता हूँ, मैम को फॉलो करता हूँ, तो उनके सारे प्रेडिक्शन मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने उनको जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया न्यूमरोलॉजी के लिए। तो अच्छा मैंने न्यूमरोलॉजी करवाई मैम से, तो उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मैंने पूरी फैमिली का न्यूमरोलॉजी कराया, और घर पे जो प्रॉब्लम थी तो वास्तु भी विजिट भी करती है मैम, अच्छा तो वो करवाया मैंने। जो काफ़ी उन्होंने रेमेडीज वगैरह दी, उससे काफ़ी मामला हल हो गया। लगभग ये देख लीजिए 80-90% जो है मेरा काम सॉल्व हो गया। अच्छा, बिजनेस में अच्छा काफ़ी। जी अगर मैं थोड़ा आपसे पर्सनल हो जाऊं और आपसे पूछूं, अगर आप जी बता भी पाओ, तो आप किस बताइए। मुश्किल से घिरे हुए थे और वो उसमें आपको बहुत रिलीफ हुआ और कितनी मनी जल्दी प्रॉब्लम हुआ? जो है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी देखे जाए तो अर्थव्यवस्था की है, मनी प्रॉब्लम सबको है। तो अच्छा बिजनेस में मेरा डाउनफॉल हो गया था। एक्चुअली मेरे गोल्ड का काम था, और मेरे जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, वो बंगालीज लोग होते हैं अधिकतर, तो उनमें से काफ़ी मेरा गोल्ड जो है वो लेके चले गए थे। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में था। तो उस समय अच्छा मैम से मुलाकात हुई थी मेरी, तो फिर उन्होंने बताया, न्यूमरोलॉजी किया, और भी जो वास्तु वगैरह का, और जो इन्होंने यंत्रास वगैरह दिए थे मेरे को अच्छा कम्प्लीटली, जो भी एक्चुअली क्या है वो राहु से और शनि से कुछ प्रॉब्लम थी मेरे को, तो उनकी जो उन्होंने बताया वैसा वैसा मैंने किया, तो उससे काफ़ी मामला तो एकदम सॉल्व हो गया। और अभी पटरी पे बिजनेस ये देख लीजिए, अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो अच्छा ये ठीक मैम है। के लिए अच्छा बहुत, इससे पहले भी मैम आप जी कहीं और आपने अपने घर परिवार में किसी से बात की, एडवाइस भी ली होगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन जो शीतल मैम की एडवाइस है उसके बाद से आपको लगा कि एकदम से आपको एक्चुअली इसमें एक मैं इमीडिएट रिलीफ हुआ? जी एक्चुअली ये मैं एडवाइस तो काफ़ी लोगों से ली, लेकिन जो इनकी बातों में जो इन्होंने जो रेमेडीज दी, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो उन्होंने काफ़ी हटके, इनकी जो चीज़ होती है जो एकदम सटीक उपाय करती है, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और वो सटीक गोली काम कर जाए, वो चीज़ होती है। तो ये इनके पास मुझे मिला ठीक है, जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा ओके लगा सर, आपसे थैंक बातचीत करके। यू, और जो थैंक यू, मैं थैंक शीतल यू मैम के प्रति धारणा रखता था अपनी, वो बिल्कुल ठीक निकली, जी और आपसे मेरे को सटिस्फाइड भी हुआ मैं आपसे, और आपने मेरे को जी 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 सर्टिफाइड भी किया कि बिल्कुल ठीक सर है, शीतल मैम से हम अगर एडवाइस लेते हैं तो उसका हमको एक बड़ा जी जी बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया बेनिफिट सोनी जी, मिलता आज है। थैंक आपने यू सर। हमको समय दिया और आपसे हमारी ओके ओके बातचीत हो जी पाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी जी मच। तो शीतल मैम, जैसे मैंने आपके बारे में सुना था ठीक वैसे ही आपके बारे में पाया भी, तो विजय सोनी जी से हमारी जो बात हुई उन्होंने भी यही बात रखी है कि उनको जो दिक्कत हुई थी गोल्ड और उनके बिजनेस को लेकर, तो उसको लेकर आपने जल्दी उनको रेमेडी दिया, उनको रिलीफ हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक अच्छा यू सर। लगा इस तरह से हमको जो बात करके, विजय सोनी जी से भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।